हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और हम लोग भी भगवान के कृपा से अच्छे और स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, पहले वाले ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि कविता जी का कान में अठई अंदर चला गया था, तो दोस्तों उनका कान से अठई बाहर निकल गया है। अभी जो है मैं अभी बारी पे अपने आया हूँ और आप लोग देख सकते हैं प्याज लगा हुआ है। जो है प्याज रोपने के लिए लोग बिया खा रहे हैं, आप लोगों को दिखला रहे हैं कौन कौन है। तो दोस्तों ये देखिए, ये देखिए कविता जी, मेरे मम्मी, मेरे और मेरे पापा जी। तो देखिए रोपने के लिए खरीद करके हम लोग रोपे हैं। ये कविता जी भी है यहाँ पे, देखिए कुछ नहीं बोल रही हैं। तो अभी जो है बिया उखड़ रहा है और यहीं पे रोपाएगा। तो अभी देखिए दोस्तों, मैं प्याज काट ली हूँ और ये देखिए मेरे पति देव क्यारी बना रहे हैं। जल्दी जल्दी बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्याज तो सब रोपा ही गया है दोस्तों, इसको हम लोग खाब रहे हैं। अब खाबने के बाद जो है इसमें रोपा जाएगा प्याज का बिया। हाँ, तो दोस्तों फाइनली जो है ये वाला क्यारी जो है खाब होकर पूरा फिट कर दिए हैं। अब जो है इसमें अब बराबर करके अब प्याज को रोपा जाएगा और एक और क्यारी बनाना है उधर। तो चलिए फिर उसको भी बना देते हैं फटाफट। प्याज रोप दिए हैं और कविता जी उधर अभी रोप रही हैं। आप लोग देख सकते हैं पानी पटा रहे हैं मोटर से, और मोटर लगा हुआ है और उधर से पानी आ रहा है और यहीं अब रोप रही हैं। अब यह दो बचा हुआ है और दो ही कोला और बचा हुआ है क्यारी। अगर आप लोग ब्लॉग देखना पसंद करते हैं अगर आप लोग, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग कॉमेडी देखना पसंद करते हैं तो आप लोग कविता थारू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग ये देखिए कविता जी रोप रही हैं, लग रहा है कि धान रोप रही हैं उसी तरह से एकदम पानी भर करके और इसमें जो है रोपाई हो रहा है। तो चलिए ब्लॉग को अभी बंद करते हैं।